नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शहर के डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में चल रहे जादूगर सिकंदर के शो को लगातार मिल रहा है रायबरेली की जनता का प्यार और आशीर्वाद, क्योंकि इसी जनपद के होने की वजह से जादू में नए नए शो, खासकर डायनासोर वाला बिल्कुल नए शो की वजह से। जादूगर सिकंदर शर्मा ने बताया कि मैं जनपद रायबरेली के लालगंज के पास बैसवारा का रहने वाला हूँ, इसलिए अपने गृह जनपद में और जगह से आधे रेट टिकट रखे हैं, जिससे हमारे जिले के ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शो को देखें और देख रहे हैं। मैं दूसरी बार 2023 में अपना शो लेकर आया हूं, इससे पहले 2017 में आया था। इंटरव्यू में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 2009 में मैंने जादू सीखना शुरू किया, 2013 से अपनी टीम बनाकर शो शुरू किए, क्योंकि बचपन से ही मुझे जादू देखने और सीखने का शौक था। रोजाना दो शो दोपहर 3 बजे और शाम 6:30 बजे, रविवार को 3 शो दोपहर 1 बजे, 3:30 बजे, 6:30 बजे से चलते हैं। जादूगर सिकंदर ने बताया कि हमारा शो 3 दिसंबर तक ही चलेगा, सभी आएं और हमारे जादू के शो का प्यार परिवार के साथ आनंद लें। रायबरेली से ब्यूरो वसीम खान की रिपोर्ट। लाइव टीवी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वसीम खान, आज मैं बात करूंगा जादूगर सिकंदर जी हमारे साथ मौजूद है, जिनका शो रायबरेली डिग्री कॉलेज के पास चल रहा है, 3 नवंबर से चल रहा है, शायद अभी ये 3 दिसंबर तक या आगे कब तक रहेगा ये इन्हीं से जानते हैं। और कब से जादू के लाइन में है, यानी कितना इनको टाइम एक्सपीरियंस हो, कहाँ कहाँ इनका शो चल रहा है, ये भी आपको जानकारी लेकर इनको दिखाते हैं। नमस्कार सभी को, राम राम, जय श्री राम। मैं जादूगर सिकंदर रायबरेली अपने शहर में शो कर रहा हूँ, ये अपना ही शहर है। मैं बचपन से रायबरेली आता जाता रहता हूँ किसी भी काम के लिए, क्योंकि मेरा घर बैसवारा में हुआ, लालगंज से थोड़ा सा आगे बैसवारा है, जानते हैं जो लोग जाते हैं ट्रेन से, बैसवारा स्टेशन पड़ता है, वहीं पे मेरा घर हुआ। और बचपन से मैं रायबरेली आता जा रहा हूँ और ये मैं अपने शहर में अपने लोगों को अपना शो दिखाने के लिए लाया हूँ। हमारा टिकट किस शहर में कितना होता है लोगों को मालूम है, लखनऊ से हो क्या कानपुर के, लेकिन हमने रायबरेली के लिए बिल्कुल टिकट दर आधा कर दिया है, जिससे हमारे यहाँ के लोग सिर्फ हमारा मेंटेनेंस खर्च जो है वो निकल जाए, वो लोग आके रायबरेली में ऑडिटोरियम में अपने बेटे अपने भाई का शो देखें आकर। ये ऑडिटोरियम में शो लगा हुआ है, फिरोज गांधी ऑडिटोरियम है, यहीं डिग्री कॉलेज चौराहे के पास। तो ये शो हमारा रोजाना 2 शो में चलता है, 3 बजे दिन में 3:30 बजे और शाम को 6:30 बजे, रविवार को हम 3 शो करते हैं, 1 बजे, 3:30 बजे और 6:30 बजे। इसमें हम पहली बार, अब रायबरेली जब पहली बार आए थे तो 2017 में आए थे, इस बार 2023 में आए हैं। पहली बार हमारे पास बहुत सारे खेल नहीं थे, हमने इस बार डायनासोर हम भी लेके आए हैं लोगों के लिए, तो आप जब आएंगे तो डायनासोर को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको रियल में देखेंगे, पिक्चरों में तो आपने देखा होगा लेकिन रियल में पहली बार आप एक्सपीरियंस करेंगे डायनासोर कैसे होते थे। तो आप ज़रूर आइए और जादूगर सिकंदर शो देखिए। और मैं जादूगर सिकंदर यहाँ पे हूँ, और भाई साहब कुछ पूछना चाहें तो बताएं। बिल्कुल, मैं ये जान जाऊँगा यहाँ पर और भी शो इससे पहले हुए थे, जादू भी थे, किसी को कैसा लगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जादूगर सिकंदर के बारे में मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया बहुत अच्छा जादू, क्योंकि कुछ और सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अलग से देखने को मिली, बहुत सी अनुभव चीज़ें हैं जो जादू में अभी तक यहाँ पर किसी जादूगर कलाकार ने नहीं दिखाया। तो हम आपसे ये जान जाएंगे आप इसमें कब से हैं और कितने टाइम से आपका ये सिकंदर जादूगर आपके नाम से चल रहा है और कहाँ कहाँ इसका शो आप देखिए। जैसे अभी हमने बताया कि हमने अभी लखनऊ में शो किया, कानपुर शो किया, प्रयागराज शो किया, बनारस शो किया, अपने प्रतापगढ़ शो किया, फतेहपुर शो किया, रायबरेली में दूसरी बार हम हैं। लगभग हम आस अपने उत्तर भारत में लगभग हम हर जगह शो कर चुके हैं, जहाँ तक आप जानेंगे जादूगर सिकंदर के बारे में तो आपको सब पता चलता जाएगा हमारे बारे में। अभी कई जगह शो करना बाकी है तो हम वहाँ भी जल्दी पहुँचेंगे। तो लोगों से हमें कहना है कि हम 2009 में जादू में पहली बार आए थे, 4 साल हमने सीखा, उसके बाद 2013 में हम इस प्रोफेशनल में पूरी तरह से आ गए और हमने एक छोटी सी टीम बनाई, आज टीम आप लोगों के सामने है, जैसे भी है छोटी बड़ी आप लोग देखेंगे अच्छा लगेगा आपको। और जादू एक बहुत ही कठिन विद्या है और इसे मेहनत के साथ सीख सकते हैं, सभी सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल ज़्यादा होता है, आपको रोज़ मेहनत करनी होती है, रोज़ काम करना होता है, और क्या होगा सब लोगों के हाथ में होता है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, सब आप लोगों पे निर्भर करता है। तो अब हम चाहेंगे हम आप लोगों के बीच आशीर्वाद देने के लिए आएँ, तो आप ज़रूर आइए हमारे शो में और अपने भाई बेटे को आशीर्वाद जरूर दें। बिल्कुल, जादूगर सिकंदर जी से मैंने आपको रूबरू कराया, आपको भी यहाँ से लोगों से मैंने बात की है, जो लोग देखने आए उनका भी कहना है जादूगर सिकंदर बहुत ही अच्छा था। आपको पूरा शो दिखाएं, लगातार पूरी खबर दें। कैमरामैन के साथ वसीम खान, रायबरेली। टीवी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय खड़ा हूँ रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास, जहाँ इस समय सिकंदर जादूगर का यहाँ शो चल रहा है। मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर जो शो देख कर आए हुए लोग हैं मैं इनसे जानता हूँ कैसा लगा यहाँ का शो। चाचा एक मिनट, आपने ये शो देखा? अरे हम तो कॉलेज में है ना, तो रोज देखते हैं, तो 2 मिनट। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आपने देखा यहाँ सिकंदर जादूगर का यहाँ शो चल रहा है, यहाँ पर आए हुए दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। मैडम, ये शो आपने देखा, कैसा लगा आपको जादूगर सिकंदर का शो? अच्छा लगा। कैसे यहाँ के जो कलाकार हैं, जो जादूगर सिकंदर, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मतलब जादूगर देखने आए यहाँ पर जी, पहली बार आए कि दूसरी बार आए? ये दूसरी बार है। दूसरी बार है, कैसा है जादूगर सिकंदर? बहुत अच्छा। और जादूगर परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के प्रोग्राम अगर हम लोगों के शहर में साल में एक बार आवे। बिल्कुल, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से जानना चाहेंगे। बाबू, ये शो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और डायनासोर कैसा था? बहुत खतरनाक। खतरनाक था। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर आए हुए मंच के लोग मौजूद हैं, हमें बिल्कुल दिखाया सिकंदर जादूगर के लोग सेल्फी लेने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं, हम इनसे ही बात करेंगे, आपको पूरी खबर दिलाएंगे। कैमरामैन के साथ वसीम खान, रायबरेली। लाइव टीवी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ रायबरेली के डिग्री कॉलेज पर, जहाँ सिकंदर जादूगर का शो चल रहा है। यहाँ पर आए हुए दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कैसा लगा आज का शो और सिकंदर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटा, जादूगर सिकंदर का शो बिल्कुल बढ़िया शो है, बिल्कुल मज़ा आ गया देख कर। और कैसा था यहाँ का डायनासोर का डर और बिल्कुल डरावना मैजिक कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि ये जादू पता नहीं कैसे करते, इतना बढ़िया करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ आए हुए लोग मौजूद हैं जो सिकंदर का जादू देखने के बाद, क्योंकि यहाँ मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों ने नहीं देखी। यहाँ हमारे साथ आए लोग, मैं बात करता हूँ भाई साहब, आज कहाँ पे आप शो देखने आए? हम लोग डिग्री कॉलेज चौराहे पे आए हैं जादूगर का शो देखने। सिकंदर का शो जी, सिकंदर का बहुत अच्छा लगा। और क्या पहली बार आ रहे हैं दूसरी जी? मैं पहली बार आ रहा हूँ। बिल्कुल, आपने देखा, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, जिनका शो है सिकंदर जी बिल्कुल लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा सिकंदर जी को जरूर दिखाएं। ये यहाँ पर शो चल रहा है, यहाँ से लोग बहुत ही खुश होकर जा रहे हैं, लगातार पूरी खबर दिखाएंगे आपको। कैमरामैन नीलेश वसीम खान, रायबरेली। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।